2019 चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इनफैक्ट सुबह से हम इन चुनाव रिजल्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स क्यों आ रहे हैं और इस नंबर्स में एक उभरती हुई एक बड़ी कहानी क्या है, व्हाट इज द बिग स्टोरी दैट वी आर सीइंग फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। इसी पे डिस्कशन करने के लिए आई हैव विद मी योगेंद्र यादव एज वेल एज संजय पुगलिया, एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ क्विंटिलियन मीडिया। अगर आप अभी हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले हम नंबर्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। We are seeing here that NDA has been or is getting about 342 seats and we are seeing that the Congress is getting 91 seats. Congress Plus, that is the UPA, is getting 91 seats. 2014 की जो टैली थी बीजेपी की उसको वो in 2019 it has become better and the results are showing a comfortable victory for the भारतीय जनता पार्टी। योगेंद्र जी, आप अगर ये नंबर्स देख रहे हैं तो अगर आप इनको कुछ लाइनों में आप इसको अगर समझा सके या फिर कुछ लाइनों में अगर आपको इसका कंक्लूजन निकालना हो तो वो क्या होगा? पहली बात तो कि रिजल्ट क्या है, मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूँ, एग्जिट पोल से पहले से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। इसमें बीजेपी बहुत क्लियरली जीत रही है। मेरे मन में आज सुबह सिर्फ इतना डाउट था कि एनडीए तो जीतेगा, एनडीए को तो मेजॉरिटी आएगा, क्या बीजेपी को अपने आप मेजॉरिटी आ जाएगा? तो अब वो भी सेटल हो गया है, बीजेपी बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी वो ले रही है 2014 के बाद, तो ये बहुत क्लियर विक्ट्री है। और एक मैंडेट है, कुछ इलेक्शंस में लगता है कि मैंडेट क्या है कुछ समझ नहीं आया, इसमें बिल्कुल क्लियर मैंडेट बीजेपी के लिए है, मैंडेट नरेंद्र मोदी के लिए है। इन बातों में कोई शक नहीं होना चाहिए और इसको किसी चीज़ से घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, इसी ने किया था, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मोदी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने उनको वोट दिया है। ये बहुत बड़ा मैंडेट है पिछले कई सालों का और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई नॉन कांग्रेस पार्टी दोबारा जीत रही है। पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई लेकिन एक बार में या तो पहले ही खत्म हो गई, एक बार करके चली गई, पहली बार आ रही है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इस बड़ी विक्ट्री के मायने क्या हैं और दूसरा ये देखें कि इसमें दो तीन चीज़ों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो कांग्रेस पिछली बार की तुलना में, पिछली बार 44 थे, इस बार कोई 50-52 इतने पे ख़त्म हो रही है, यानी कि बहुत कोई कांग्रेस इम्प्रूव नहीं कर रही है। जो सबने सोचा था कि यूपी के अंदर गठबंधन कर लेगा वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में बीजेपी आगे आ रही है, यहाँ तक कि तेलंगाना जहाँ किसी ने सोचा नहीं था बीजेपी को सीट आने वाली है वो भी आ रहे हैं। तो ये पूरे देश में एक मैंडेट है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि ये क्लियर मैंडेट है, बट किन चीज़ों के लिए ये क्लियर मैंडेट है आपके हिसाब से? अगर ये क्लियर मैंडेट है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर मैंडेट है, किसके लिए क्लियर मैंडेट उभर के आ रहा है? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें ना क्रिकेट कॉमेंट्री ध्यान से देखनी चाहिए, इसलिए कि क्रिकेट के मैच में बड़ी बारीक कॉमेंट्री करते हैं वो, जीतने के बाद ये नहीं कहते कि जो टीम जीत गई उसका बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, कैप्टन भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ अच्छी नहीं थी। तो इसलिए आज ये समझना होगा हमें कि क्या चला और क्या नहीं चला। ये मान लेना कि चूंकि मोदी जीत गए इसलिए उनकी सरकार ने जो कुछ भी किया उस पर पॉजिटिव वर्डिक्ट है, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि सच ये है कि मोदी जी की सरकार के इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी और दो तीन चीज़ों पे लोगों में बहुत डिससेटिस्फेक्शन था, किसानों में डिससेटिस्फेक्शन था, रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पे बहुत डिससेटिस्फेक्शन था, लेकिन ये सब चीज़ें इलेक्टोरल इशू नहीं बन पाए। जो लोगों की रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा इलेक्टोरल इशू नहीं बनते, वो नहीं बन पाए क्योंकि कोई उसे उठा नहीं पाया। और जो चला वो ये, हाँ मोदी की पर्सनैलिटी चली, लोगों को भरोसा था। 2014 और 2019 में एक अंतर हमें समझना चाहिए। 2014 में भी इतनी विक्ट्री थी, इस बार भी लगभग उतनी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क है। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था और मोदी में आशा थी। इस बार मोदी से डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, लेकिन विपक्ष के खिलाफ बिल्कुल अविश्वास था। बार बार जब लोगों से बात होती थी, कोई मेरे को मिले कहने लगे मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मैंने उनके आँख में डाल के पूछा आँख, मैंने कहा कि मोदी जी सच बोलते हैं क्या? कि नहीं साहब झूठ तो बोलते हैं, फिर तुम क्यों वोट दे रहे हो? साहब और क्या करूँ, राहुल गांधी को वोट दूँ क्या, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाऊँ क्या? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये चुनाव मोदी जी की जितनी जीत है
उतनी ही विपक्ष की हार है, उनका निकम्मापन है, और मेरे विचार से इसके 3-4 सबक है। फिर हमें संजय भाई से पूछना चाहिए वो सहमत है कि नहीं। आपसे यही पूछने वाली थी। तो योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि इस बार चुनाव, जैसे कि इफ नॉट मोदी देन हु, एक अल्टरनेटिव ऑपोजिशन शायद नहीं उभर के आया, इसलिए भी हम जो ये आज नंबर्स देख रहे हैं। संजय जी, इसमें विपक्ष के लिए, जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं, इसमें विपक्ष के लिए क्या लेसन या क्या सबक उभर के आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष के लिए तो चुनाव के नतीजों के पहले भी मैसेज साफ था कि न उनके पास, योगेंद्र जी ये बात बहुत अच्छे से समझाते हैं, अल्टरनेटिव नैरेटिव है, न स्ट्रेटजी है, न कम्युनिकेट करना आता है, न वो अलायंस बना पाए। ये सारी आशंकाएं, ये अनुमान लोगों के दिमाग में पहले से थे। लेकिन मूल प्रश्न यह है, जो कि अभी भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के इतिहास को बड़े तौर पर बदलने वाला वर्डिक्ट है। सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की सरकार, पहले से ज़्यादा सीटें, मोदी जी का फुल इंडोर्समेंट, इसका सोशल पॉलिटिकल कल्चरल मायने क्या है? और वोटर अगर डिससेटिस्फैक्शन था भी और विपक्ष पर नाराजगी थी भी, तो भी जब उसने वोट दिया है तो क्या सोच के दिया है? योगेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस वर्डिक्ट का वो मीनिंग क्या है कि अगर मैं नाराज भी हूँ, जॉब भी नहीं मिला, फार्म डिस्ट्रेस भी है, देश में कोई बहुत मॉडर्नाइजेशन का काम हो गया वो भी नहीं है, फिर भी मोदी जी पर इतना भरोसा जताया है और हमको उसको फुल्ली एक्नॉलेज करना चाहिए, ये भरोसा वो क्या मान के कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें समझना चाहिए कि इस जलादेश के पीछे देश, ये नेशन शब्द को हम भूल गए हैं। बहुत किसान, किसी किसान के पास गए, कहा साहब क्या रात बरसा आप खेत को देख रहा था, आवारा पशु से परेशान हो। आवारा पशु की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि योगी जी ने बनाई है। और वही किसान से पूछा वोट किसे दोगे? मोदी जी को देंगे। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे परेशान हो। कि साहब वो किसान वाली बात थी ना, ये तो देश का चुनाव है, ये जो देश है इस पे मोदी जी ने उस प्लेन पे कब्जा किया, झूठ बोल के ही किया, झूठे सपने दे के किया। इस विपक्ष के पास तो देश के लिए बोलने को कुछ था नहीं। मेरे लिए सबक बड़े साधारण है। पहला सबक, खाली मोदी विरोध से या किसी नेता के विरोध से आप चुनाव नहीं जीत सकते, एंटी मोदीज्म नहीं चलेगा। दूसरा, सिर्फ कास्ट कोएलिशन से काम नहीं बनता। तीसरा, सिर्फ गठबंधन भी एडिक्वेट नहीं है, गठबंधन जरूरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है। आप कर्नाटका देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार, झारखंड, काम नहीं चलता उससे। आपको एक मैसेज चाहिए, एक मैसेंजर चाहिए। विपक्ष के पास कोई मैसेज नहीं था, मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा था, आज भी मैं कहूंगा बीजेपी से बहुत अच्छा मैनिफेस्टो था, लेकिन आप चुनाव से 5 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो, कौन पढ़ता है इन चीजों को? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे कि उनके पास एक, जिस बार इस बार हमने इलेक्शन कैंपेनिंग में देखा कि एक स्लोगन को वो बार बार कह रहे थे, वो है उनका न्याय स्कीम, अब है या इस बार होगा न्याय। तो चाहे मैसेज पे, आपको मैसेज पे उनकी सटीकता से आप खुश नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, जो कांग्रेस का न्याय की बात थी, ये तो चुनाव से 10 दिन पहले आया ना, और उसका एक एनालिसिस आ चुका है, CSDS ने करवाया, सर्वे किया, एनालिसिस ये है, जिन लोगों को न्याय स्कीम के लिए जिनकी जेब से पैसा जाता उन सबको तो पता लग गया कि होने वाला है, और जिनको मिलना था उन्हें पता नहीं लगा। तो ये मैसेज इनके पास नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मैसेज सबक है वो ये कि आपको देश के स्तर पे कोई पॉजिटिव उम्मीद जगानी होगी। जब तक आप उम्मीद नहीं जगाते, जब तक आप सपना नहीं देते, चाहे झूठा हो। और आखिरी बात ये कि आपको मैसेंजर चाहिए, क्रेडिबल मैसेंजर चाहिए, जो इनके पास नहीं, जो इनके पास नहीं है। संजय जी, आप क्या? इसमें योगेंद्र जी से मेरा सवाल है, थोड़े से प्रीफिक्स के साथ, कि जो अपोजिशन है उसने कंप्रिहेंड नहीं किया कि वो किस चैलेंज से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब वो एक प्रकार से ये वर्डिक्ट देश को विपक्ष विहीन करके दिखा रहा है, क्योंकि इसमें विफलताएं बड़ी हैं। कांग्रेस की विफलता, यूपी में विफलता, RJD की विफलता, कांग्रेस का पूरा सफाया उन राज्यों में जहां वो सीधे कंटेंडर थी, और आपने जो जिक्र किया कि जहां जीते थे वहां पर भी अब इनका हाल हो गया, जो पिछले असेंबली चुनाव हुए। क्या ये विपक्ष विहीन देश हो गया है? और एक डोमिनेंट स्ट्रांग पर्सनैलिटी आने वाले बरसों में डोमिनेट करेगी, ये हिंदुस्तान की नई रियलिटी है, या दरअसल असहमत आवाजें हैं और उनका आर्टिकुलेशन, उनकी गैर मौजूदगी ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम है? संजय जी का एक इस सवाल से थोड़ा एक और, जो है कि पर्सनैलिटी, किस तरह की पर्सनैलिटी हम उभरेगी?
संजय जी के सवाल से जो बड़ा प्रश्न उठता है वो ये कि इस वर्डिक्ट से क्या होने जा रहा है, विपक्ष का सफाया। हाँ, मेनस्ट्रीम विपक्ष अब कैसे खड़ा होगा, कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाएगी, मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस लोकतंत्र में विपक्ष का सफाया हो जाए वो लोकतंत्र कैसे चलेगा, मुझे दो बड़े खतरे दिखाई देते हैं। पहला खतरा जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्शन से जीते और उसके बाद बिल्कुल डिक्टेटर की तरह व्यवहार किया। पर सिर्फ इंडिया में नहीं, रशिया में चल रहा है, टर्की में चल रहा है, हंगरी में चल रहा है, बिल्कुल उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। अब मैंने इलेक्शन जीत दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, अरे मीडिया वीडिया को चुप करो ना, जनता मेरे साथ है, ये होने जा रहा है। मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी मुझे भरोसा नहीं है, वहाँ पर भी कुछ होने वाला है। मीडिया में आप लोग जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं आपको क्या होगा, और आप लोग जो सुन लेते हैं आपको क्या सुनने को मिलेगा, ये सब सवाल है। दूसरा बड़ा खतरा है जिसे मैं कहता हूँ नॉन थियोक्रेटिक मेजोरिटेरियनिज्म, नाम के लिए सेकुलर इंडिया बना रहेगा। लेकिन वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ जाएगा जिसका मतलब है कि बाकी सब सिटीजन एक लेवल पे, मुसलमान थोड़ा नीचे पायदान पे, कोई मकान मालिक और दूसरे किराएदार। ये जो चीज़ें, ये जो बड़े खतरे हैं, इसके बारे में आज देश में कौन बोलेगा। मुझे डर लगता है कि देश की जो बड़ा ऑपोजिशन है वो बिल्कुल निहायत निकम्मा साबित हुआ है। लेकिन इस देश में इस खतरे से लड़ने की एनर्जी है, उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए एक नया अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। अब कांग्रेस का मोह छोड़ के, इनका डर छोड़ के, और वो जो मैंने कहा था ना कांग्रेस मस्ट डाई, उसका मतलब यही था। कई बार हम कह देते हैं ना कि यार मेरे लिए तू मर गया, अब बस ठीक है। अब इस देश में ये मान के कि ये सब नहीं है, नए सिरे से इस देश में अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा। इसमें एक वही समझना चाहूँगा, एक समस्या है इसमें योगेंद्र जी, मोदी जी हमेशा अपने बारे में अनुमानों को गलत साबित करते हैं, उनका रिकॉर्ड अटूट है, आज की तारीख में फिर से एस्टेब्लिश हो गया। ऐसे में अगर एक असहमति की आवाज़ की जगह भी है तो उसका बनना, उभरना, खड़ा होना भी चैलेंज है। और मोदी जी जानते होंगे इस बात को कि सेकेंड टर्म की एंटी इनकम्बेंसी मेरे साथ कैसी रहेगी। ऐसे में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की एक जो ब्यूटी है, जो यूनिकनेस है, वही एक नए सवाल के रूप में सामने आ रही है कि मेरे पास 40-45% वोट आ गए, पहले से तो बढ़ेंगे वोट शायद, उसके आधार पर जो आपने कहा इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म, तो मैं अब लेजिटिमेसी है मेरे पास, अब मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, पहले से प्रबल बहुमत है मेरे पास। ऐसे में जो बची हुई दूसरी आवाज़ें हैं जो सीट में नहीं कन्वर्ट होती, लेकिन 60% की जो दूसरी आवाज़ें हैं उनको समाहित करना, कंसेंसस बनाना, साथ लेके चलना सेकेंड बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत करने का अगर बीजेपी का एजेंडा चालू रहता है तो वो क्या तस्वीर पेश करेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुसलमान थोड़े नीचे, अगर ये लेजिटिमाइज हो जाए, ये स्वीकार हो जाए, और सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थी, खड़ी नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि जाति या धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसके आधार पर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ हम मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। और अब आने वाले दिनों में ऐसे मैंडेट के बाद क्या व्यवहार होगा हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के साथ। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है और मैं दाद देता हूँ हिम्मत की कि आपने सवाल उठाया, क्योंकि आज कोई लोग बोलेंगे नहीं। क्या होता है इस देश में है कि जो जीता वो सिकंदर, बस उसका सब कुछ ही ठीक है, फिर कुछ मत बोलो, अरे साहब सब कुछ ठीक था, कमाल हो गई। आज कितने लोगों के मन में डर होगा, ये क्या हो रहा है इस देश में, हम इसका मतलब कि ये जो लिंचिंग चल रही थी उसके ऊपर मोहर लग गई, इसका मतलब है कि ये जो गुंडागर्दी चल रही थी ये भी सब ठीक है, इसका मतलब है कि इस देश के बड़े से बड़े ओहदे पे बैठने वाले लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये डर है, ये सच्चा डर है, और इसका मुकाबला करना इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, ये जो हो रहा है ये भारत के स्वधर्म पे हमला है, और इस देश के स्वधर्म को बचाना आज सबसे बड़ा काम है। उसमें बीजेपी क्या करेगी, अभी तक तो हमने देखा है वो तो स्वधर्म पे हमला करने वालों में शामिल होगी, लेकिन ऑपोजिशन क्या करेगा। मुझे इनमें से आधे लोग तो बिल्कुल कतई निकम्मे दिखाई देते हैं। अब दो रास्ते हैं, कोई कहेगा कि चलो कैसे भी हैं निकम्मे हैं, जैसे भी हैं चलो इनको इकट्ठा करो, किसी तरह से इसके करो, हो सकता है एक राय हो, मैं इससे झगड़ा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे जैसे लोगों की अब राय है कि इन सबको नमस्ते करो और जीरो से शुरू हो। इस देश में ऊर्जा बहुत है,
पिछले 5 साल में किसानों का संघर्ष इनमें से किसी भी निकम्मी पार्टी ने नहीं किया, किसानों ने किया था, बेरोजगारों ने किया, वहां से निकलेगा संघर्ष। यहाँ ये आपका आशावाद बिल्कुल सही है कि जनता और उनका संघर्ष वो मैनिफेस्ट होता है, वो टूल चुन लेंगे अपना जो भी चुनना है। लेकिन अब हालांकि ये सरकार कहने को एनडीए की होगी, लेकिन चूंकि सेकेंड टाइम का स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स को फिर से बढ़ करके मैंडेट मिला है, ऐसे में आने वाले दिनों में जिसको कहते हैं ना बिग पॉलिटिक्स, मेरा बिग 2-3 एजेंडा क्या होगा, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये जो नई सरकार बनेगी ये संविधान में कुछ बदलाव ये जो चाहती है, कश्मीर के बारे में जो बीजेपी की नीति रही है और इसके अलावा जो उसको टोटल सोशल कल्चरल बदलाव, शिक्षा के बदलाव करने हैं, वो एजेंडा अभी ऑल इनकम पासिंग दिखने के चक्कर में स्लो मोशन पे चलेगा या वो फास्ट ट्रैक होगा? मेरी अपनी समझ ये है बीजेपी के बारे में कि नरेंद्र मोदी ना वाजपेयी थे ना वो वाजपेयी बनेंगे। वो इकोनॉमिक पॉलिसी में हो सकता है नोटबंदी जैसी मूर्खता से बचे, लेकिन जहाँ तक इस चीज़ों की ताल्लुक है, हिंदू मुसलमान का सवाल है, सोशल चीज़ों का सवाल है, उसमें उनका कड़ा रवैया था, है, रहेगा। वो अपनी ब्रांड इक्विटी उससे बनाते हैं और 370 बदलने की शायद उनमें अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 35 बदलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा लेकिन आएगा, यानी कि इस देश की बुनियाद पे हमला होगा। और वहाँ एक सवाल होता है, और इस बातचीत का अंत में एक डायलॉग से कर देता, दीवार फिल्म का याद है डायलॉग, अमिताभ बच्चन कहता है शशि कपूर को कि तुम देखते हो तुमने क्या किया, मेरे को देखते हो, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। आज मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, आज आपके पास जो इस देश के संविधान को उखाड़ रहे हैं, इस देश की बुनियाद को उखाड़ रहे हैं, आज आपके पास सत्ता है, आज आपके पास CBI है, आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास मीडिया है, लेकिन मेरे पास जो इस देश का संविधान बचाना चाहते हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, हमारे पास इस देश की मिट्टी है, बाबा साहब का संविधान है और महात्मा गांधी की शहादत, और हम जीतेंगे। Thank you so much. Of course, thank you so much both Yogendra ji as well as Sanjay ji. We will be tracking the election results all day long, and now we are moving on to analysis that is coming from our reporters from across the country, from different states. We will be talking about what this victory means for the Bharatiya Janata Party as well as for Prime Minister Narendra Modi, and what do the next 5 years under Prime Minister Modi will look like, especially when it comes to his cabinet picks. All that and more only on the Quint. So the Quint or Quint Hindi ki stories zarur padhiye. That's it from me, Manvi. Thanks so much.